कलश उडारिया में नहमत दोबारा से वही गलती रिपीट कर रही है जो उसने पहले की थी। एकम से झूठ बोलकर नहमत खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जैसे कि हमने देखा, एकम को मल्लिका के द्वारा ये पता चल गया है कि नहमत अद्वैत के साथ थी। ये बात सुनकर मल्लिका की तरह एकम ने नहमत को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं किया, लेकिन एकम जब नहमत से मिलता है तो नहमत एकम से झूठ बोलती है कि वो सारा दिन ऑफिस में थी। एकम को समझ नहीं आ रहा नहमत उसे झूठ क्यों बोल रही है, जब उसने नहमत को काफ़ी बार ये क्लियरली बोला है कि उसे झूठ से सख्त नफरत है। भले ही नहमत एकम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये झूठ उसे बहुत बारी पड़ने वाली है। अद्वैत जो नहमत और एकम को अलग करना चाहता है, बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहमत को एकम से चीज़ें छुपाने के लिए बोलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली नहमत उसकी बात मान लेती है और यही बात नहमत की लव लाइफ और ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। शो के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कैसे शेली मामी जो शिमला में है अद्वैत और नहमत को एक कफे में साथ देख लेती है। वो उनका पिक्चर्स क्लिक करती है और नाज को सेंड करती है, जिसे देख के नाज भी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है मल्लिका और अद्वैत की शादी को सिर्फ एक हफ्ता है और ऐसे में नहमत मल्लिका के दुल्हे के साथ शिमला में हनीमून पर आई हुई है। अब नाज इन पिक्चर्स को यूज करके क्या बवाल क्रिएट करेगी, जानने के लिए देखते रहिए उडारिया। और अपने फेवरेट शो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ऑल द लव। ग्लिट्स विजन पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप हैं इसलिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच।